टीसीएस से लेकर टाटा मोटर्स, टाटा स्टील से लेकर टाटा केमिकल्स, एयर इंडिया, जगुआर, लैंड रोवर, स्टारबक्स, टाइटन, जूडियो या फिर क्रोमा, इन ब्रांड्स की वजह से आज टाटा की पहुंच हर घर तक है। यही वजह है कि 2023 की डेटा के अकॉर्डिंग टाटा ग्रुप का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है। इनफैक्ट टाटा हमारे देश भारत की ग्रोथ में भी सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। और हाँ, यह बात सिर्फ भारत तक ही लिमिटेड नहीं है, आज टाटा ग्रुप के ब्रांड्स ने इंटरनेशनल मार्केट में भी धूम मचाया है, क्योंकि टाटा ने जिस तरह से एक के बाद एक सक्सेसफुल इंटरनेशनल एक्विजिशंस की हैं, उसकी वजह से आज इंडिया की इंटरनेशनल मार्केट में काफी स्ट्रांग इमेज बन चुकी है। साल 2000 में टाटा ने सबसे पहले इंग्लैंड की कंपनी टेटली का एक्विजिशन किया, 2006 में यूएस की 8 o'clock कॉफी को एक्वायर किया, यहाँ तक कि 2008 में जगुआर लैंड रोवर को भी अपने नाम कर लिया। अब हो सकता है कि आप में से काफी सारे लोगों को इन एक्विजिशंस के बारे में पहले से ही पता हो, पर शायद आप यह नहीं जानते होंगे कि लक्मे जो आज हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंडर आती है, वो एक समय टाटा की ही ब्रांड हुआ करती थी, लेकिन 1998 में टाटा को मजबूरन इसे बेचना पड़ गया। पर अब सवाल उठता है कि एक ऐसा कॉस्मेटिक ब्रांड जो पूरे इंडियन मार्केट पर अपना कब्जा जमाए हुए था और जिसे टाटा साल दर साल सक्सेसफुली रन कर रही थी, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि टाटा को इसे बेचना पड़ गया, और क्या रीजन है कि मैंने थंबनेल में यह लिखा है कि बिजनेस से कभी दिल न लगाना, सब कुछ डिटेल में जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, हमारी कहानी की शुरुआत होती है साल 1947 से, जब देश ने आजादी का स्वाद चखा था। पर बात जब स्किन केयर प्रोडक्ट्स की आती है तो हम अभी भी विदेशी कंपनीज पर ही निर्भर थे। इन विदेशी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए भारत के अमीर लोग और खासतौर पर महिलाएं पानी की तरह पैसे बहाती थी, और ये स्टेप भारत की इकोनॉमी को कमजोर बना रहा था। इसके पीछे का रीजन बस यही था कि भारत के पास अपना खुद का कोई कॉस्मेटिक ब्रांड ही नहीं था। साथ ही आपको बता दो कि उस टाइम तक विदेशी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की कॉस्ट इतनी ज्यादा हुआ करती थी कि भारत का मिडिल एंड लोअर क्लास तो इन्हें खरीदने के भी नहीं सोच सकता था। अब जब उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का ध्यान इस चीज की तरफ गया, तो वो समझ गए कि सिर्फ एक इंसान है जो कि देश को इस मुसीबत से बाहर निकाल सकता है, और वो थे जहांगीर रतनजी दादा भाई टाटा, यानी कि JRD टाटा। नेहरू जी ने तुरंत JRD टाटा को फोन मिलाया और उनके साथ एक मीटिंग फिक्स की। नेहरू जी ने JRD टाटा को पूरी प्रॉब्लम विस्तार से बताई और भारत में ही कोई कॉस्मेटिक ब्रांड शुरू करने की गुजारिश की, जिससे देश का पैसा देश में ही रह जाए और हमारी फॉरेन करेंसी भी फिजूल खर्च होने से बच पाए। इस मीटिंग के अंदर इस बात को भी चर्चे में लाया जाता है कि भारत में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भारतीय महिलाओं की स्किन टाइप को ध्यान में रखते हुए बनाए जाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश की वेदर कंडीशंस वेस्टर्न कंट्रीज से काफी अलग है। JRD टाटा को नेहरू जी का यह आइडिया काफी पसंद आता है और वो अपनी टीम के साथ मिलकर एक बिजनेस प्लान बनाकर काम पर लग जाते हैं। JRD टाटा ने अपने बिजनेस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए रॉबर्ट पिगुवेट जैसे बड़े फ्रेंच कोलैबोरेटर्स को भी अपनी टीम में शामिल कर लिया। साथ ही कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए उन्होंने बहुत सारे केमिकल इंजीनियर्स को भी हायर किया। टाटा के रिसर्च टीम ने भारतीय स्किन टोन को ध्यान में रखकर कुछ ऐसे प्रोडक्ट के सैंपल तैयार किए जो कि हर कोई अफोर्ड कर पाए। इन प्रोडक्ट्स को बनाने में हर्ब्स का यूज किया गया था ताकि ये स्किन को किसी भी तरह का कोई नुकसान न पहुंचाए। जल्द ही रिसर्च, रॉ मटेरियल्स और प्रोडक्ट्स जैसी बेसिक नीड्स को भी पूरा कर लिया गया, लेकिन अभी तक JRD टाटा जी को इस ब्रांड का नाम नहीं मिला था। JRD टाटा चाहते थे कि इस ब्रांड का नाम देवी लक्ष्मी के नाम पर हो, जिन्हें सुंदरता की देवी कहा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अगर यहाँ ब्रांड नेम के लिए एक बहुत ही कॉमन इंडियन नेम को लिया जाता है, तो आगे चलकर पॉसिबिलिटी है कि वो इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ में कॉम्पिटिट न कर पाए। आसान शब्दों में बताऊं तो हम इंडियंस की ये साइकोलॉजी होती है कि हम भारत के कंपनीज के प्रोडक्ट्स को विदेशी कंपनीज से कम ही आंकते हैं। इसीलिए भारत के लोगों को लक्ष्मी नहीं बल्कि एक ऐसे नाम से अट्रैक्ट किया जा सकता था जिसमें थोड़ा फॉरेन टच हो। इसी बीच JRD टाटा की टीम एक दिन फ्रेंच ड्रामा ओपेरा देखने गई। यह ड्रामा एक भारतीय लड़की के जीवन पर आधारित था जिसे एक ब्रिटिश ऑफिसर से प्यार हो जाता है। ड्रामा में लड़के का नाम लक्ष्मी था, पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ लक्ष्मी नाम को फ्रेंच में ट्रांसलेट कर दिया गया था, जिसे फ्रेंच में लक्मे कहकर बुलाया जाता था। टीम को यह नाम काफी पसंद आया और उन्होंने JRD टाटा को इस नाम के बारे में बताया। अब दोस्तों, JRD टाटा को जब पता चला कि लक्मे का हिंदी अनुवाद लक्ष्मी है, तो उन्होंने झट से इस नाम को ही अपना ब्रांड नेम बना लिया।
साल 1952 में लक्मे को ऑफिशियली टाटा ऑयल मिल्स कंपनी की सब्सिडियरी कंपनी और भारत के अपने पहले कॉस्मेटिक ब्रांड के तौर पर लॉन्च कर दिया गया। और इस तरह से 1950 के दशक का वो ओपेरा ड्रामा भारत के सबसे बड़े कॉस्मेटिक ब्रांड का नाम बन गया। दोस्तों, लक्मे की शुरुआत मुंबई में पैडर रोड पर एक छोटे से किराए के बिल्डिंग से हुई थी, लेकिन अगले 5 सालों में ही इसका रंग महिलाओं पर ऐसा चढ़ा कि 1960 आते आते कंपनी को एक लार्ज कैंपस की जरूरत महसूस होने लगी। लक्मे के लॉन्च होने के बाद से भारत में फॉरेन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इंपोर्ट लगभग बंद सा हो गया, क्योंकि भारत के पूरे कॉस्मेटिक मार्केट पर लक्मे ने अपना पैर जमा लिया था। अब ये ब्रांड बनकर तैयार तो हो गया था और लोगों को ये काफी पसंद भी आ रहा था, लेकिन किसी भी ब्रांड को मैदान में लंबे समय तक टिके रहने के लिए और उसे बड़ा बनाते रहने के लिए उसकी डीप नॉलेज होनी काफी जरूरी होती है। और इसीलिए जेआरडी टाटा जी ने लक्मे की जिम्मेदारी सिमोन टाटा को दे दी, जो कि रतन टाटा जी की स्टेप मदर हैं। और इस तरह से 1961 में सिमोन टाटा को लक्मे का मैनेजिंग डायरेक्टर बना दिया गया। एक्चुअली सिमोन स्विट्जरलैंड में पली बड़ी थी और उन्हें ब्यूटी और स्किन केयर प्रोडक्ट्स की अच्छी नॉलेज थी। सिमोन टाटा की सूझबूझ ने जल्दी लक्मे को नई बुलंदियों पर पहुंचा दिया, लेकिन लक्मे के लिए यहाँ तक का यह सफर इतना आसान नहीं था, क्योंकि 80 के दशक में इंडियन गवर्नमेंट ने देश में बने हर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट पर 100% एक्साइज ड्यूटी लगाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लक्मे को काफी नुकसान उठाना पड़ा और कंपनी के मार्जिन्स भी काफी कम होने लगे। अब इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए सिमोन ने उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात की, जिसमें उन्होंने इस बात को रखा कि कॉस्मेटिक प्रोडक्ट डिजायरेबल प्रोडक्ट की कैटेगरी में आता है, ऐसे में इन पर 100% टैक्स कंपनी को सिर्फ और सिर्फ घाटे में ही लेकर जाएगा। और दोस्तों, इस बात पर मनमोहन सिंह ने सिमोन से कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये 100% एक्साइज ड्यूटी सही नहीं है, तो फिर आप देश के और लोगों, इनफैक्ट महिलाओं से सिग्नेचर कराकर ले आइए, ताकि हम इस पर अपनी राय को बदल सकें। अब अपनी कंपनी को घाटे से बचाने के लिए सिमोन टाटा ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और वो हजारों महिलाओं से सिग्नेचर कराकर भी लेकर आई। नतीजा ये हुआ कि अगले केंद्रीय बजट में सरकार को कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी को कम करना पड़ गया। दोस्तों, सिमोन टाटा ही वह महिला हैं जिन्होंने पहली बार भारतीय महिलाओं को मस्कारा, फेस पाउडर, लिपस्टिक, फाउंडेशन क्रीम, कॉम्पैक्ट नेल पॉलिश और टोनर जैसे ब्यूटी व कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स से परिचय कराया था, जिसका रिजल्ट यह हुआ कि लक्मे दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की सीढ़ियां चढ़ने लगा। 1980 में लक्मे ने अपना पहला ब्रांडेड ब्यूटी सलून खोला और 1982 तक सिमोन टाटा चेयरमैन के पद पर बनी रही। दोस्तों, लक्मे यूं ही इतनी बुलंदियों तक नहीं पहुंचा था। टाटा ग्रुप के द्वारा इसके लिए पूरा नेटवर्क तैयार किया गया था और बहुत सोच समझकर एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई गई। साथ ही इन कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की कीमत भी काफी कम रखे गए थे। आज लक्मे के पास 300 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं और 70 से ज्यादा देशों में ये ब्रांड उपलब्ध है। लेकिन अफसोस, आज इस कंपनी को टाटा ग्रुप नहीं बल्कि हिंदुस्तान यूनिलीवर ओन करता है। लेकिन दोस्तों, जिस कॉस्मेटिक ब्रांड को टाटा ने इतनी शिद्दत के साथ ग्रो किया था, आखिर उस ब्रांड को उन्होंने सिर्फ 200 करोड़ रुपए में बेच क्यों दिया? तो दोस्तों, वो कहते हैं कि एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस से इतना भी दिल नहीं लगाना चाहिए कि बात उसके घाटे पर उतर आए। और लक्मे को बेचना भी टाटा ग्रुप की इसी शानदार बिजनेस स्किल का एक एग्जांपल था। जिस समय लक्मे टाटा ग्रुप की झोली में था, तब ये उन्हें अच्छे प्रॉफिट्स दे रहा था, लेकिन टाटा ग्रुप को ये बहुत पहले समझ आ चुका था कि मार्केट में अब आगे काफी कंपटीशन आने वाला है और अगले कुछ समय में लक्मे उनके लिए सिर्फ और सिर्फ घाटे का सौदा साबित होगा। इसीलिए टाटा ग्रुप पहले तो 1996 में हिंदुस्तान यूनिलीवर को लक्मे के 50% शेयर बेचता है और फिर 1998 में 200 करोड़ की कीमत पर अपना बचा हुआ 50% भी हिंदुस्तान यूनिलीवर को बेचकर लक्मे से बाहर निकल जाता है। अब दोस्तों, अगर आप टाटा ग्रुप के फैसले पर अभी भी शक कर रहे हैं ना, तो मैं आपको बता दूं कि साल 1998 में जिस लक्मे का नेट प्रॉफिट करीब 99 करोड़ रुपए था, वही अगले कुछ सालों में गिरकर 11 करोड़ रुपए पहुंच गया था। अब लक्मे को बेचकर टाटा को जो पैसे मिले थे, उसका यूज करके उन्होंने एक रिटेल कंपनी शुरू किया, जिसका नाम ट्रेंट लिमिटेड है, जो कि आज के टाइम पर वेस्ट साइड जूडियो और ट्रेंट हाइपर मार्केट का ऑपरेशन देखती है। अगर बात वेस्ट साइड की करें, तो जब टाटा ने ट्रेंट लिमिटेड को शुरू किया, तो उसी समय ब्रिटेन का एक ब्रांड लिटिल वुड, जिसकी भारतीय मार्केट में अच्छी खासी पकड़ थी, वो किसी खरीदार की तलाश में था। टाटा ने मौके का फायदा उठाते हुए लिटिल वुड को एक्वायर कर लिया और फिर बाद में उसका नाम चेंज करके वेस्ट साइड रख दिया। ट्रेंट ने वेस्ट साइड के स्टोर्स के लिए टायर वन सिटीज के लोगों को अपना टारगेट बनाया और इंडिया के बड़े बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु में अपने स्टोर्स खोल दिए। प्रेजेंट टाइम की अगर बात करें, तो आज वेस्ट साइड के 90 शहरों में 214 स्टोर्स खुल चुके हैं। अब यहाँ बहुत सारे लोगों के दिलो दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि जब ट्रेंट लिमिटेड के पास वेस्ट साइड था, तो फिर उसे जोड़ियों की जरूरत क्यों पड़ी?
तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया, ट्रेंट लिमिटेड ने वेस्ट साइड के स्टोर्स इंडिया के बड़े बड़े शहरों यानी कि टायर वन सिटीज में खोल रखे हैं, क्योंकि इनका टारगेट अपर मिडिल क्लास और रिच लोग हैं, जो कि कपड़े और फैशन पर एक अच्छा खासा अमाउंट खर्च करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। लेकिन वहीं अगर हम बात करें टायर 2 या फिर टायर 3 सिटीज के लोगों की, तो वहां मिडिल क्लास लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, जो कि फैशनेबल कपड़े तो पहनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए वो ज्यादा पैसे खर्च नहीं कर सकते। और दोस्तों, इन्हीं मिडिल क्लास लोगों को ही अपना टारगेट बनाकर रेंट ने जुडियो की शुरुआत की। जुडियो के पीछे टाटा ग्रुप का बस एक ही मकसद है, फैशनेबल कपड़ों को रिजनेबल रेट पर कस्टमर्स को उपलब्ध कराना। जुडियो एक ऐसा ब्रांड है जहां आपको 49 रुपए से लेकर 999 रुपए तक के प्रोडक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। यहां आपको टी शर्ट, जीन्स, शर्ट, शूज सब कुछ 999 रुपए के अंदर मिल जाएगा, और टाटा ग्रुप ने इस सेगमेंट में क्वालिटी का भी पूरा ध्यान रखा है। और शायद यही वजह है कि जब जुडियो ने इंडियन मार्केट में कदम रखा, तो फिर इंडियन मिडिल क्लास लोगों के सपने को मानो पर लग गए। आज टाटा ग्रुप 119 शहरों में 352 जुडियो स्टोर्स खोल चुका है, और आज के टाइम पर इस कंपनी की मार्केट वैल्यू $500 मिलियन है, यानी कि भारतीय रुपयों में करीब 4,000 करोड़ रुपए। तो दोस्तों, इस तरह से टाटा ने लक्मे को बेचकर ट्रेंट लिमिटेड की शुरुआत की और प्रूव कर दिया कि एक सफल बिजनेसमैन बनने के लिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने बिजनेस से कभी दिल न लगाइएगा।